स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संगीता सम्मी किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन स्पेशल घेवर की रेसिपी। सावन में घेवर बहुत खाया जाता है और आज मैं आपको बताऊंगी एकदम इजी वे में घेवर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, उसके बाद इसका मेथड। घेवर, तो घेवर के लिए सबसे पहले मैं घेवर के ऊपर स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर खोया बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी मैं मिल्क पाउडर से। और यहाँ पर आधा दूध यूज करूंगी मैं खोया बनाने के लिए और आधा घेवर बनाने के लिए। यहाँ पर चाशनी बनाएंगे हम, एक कटोरी चीनी ले ली है यहाँ पर मैंने चाशनी बनाने के लिए। हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए घेवर के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चाशनी के लिए मैं चीनी और पानी को मिक्स करके गैस पर चढ़ा देती हूँ। तो एक कटोरी चीनी में एक ही कटोरी हम पानी डालेंगे और इसे एक तार वाली चाशनी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने चाशनी को गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम मिल्क पाउडर से खोया बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है मिल्क पाउडर और मिल्क को एक साथ, तकरीबन आधा गिलास दूध लगा है। अब इसे हम गैस पर रखकर पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दी है और अब इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखें। एक बार आप ऐसे जरूर ट्राई करें, घेवर के लिए मिल्क पाउडर का स्प्रेड बनाएं, यह बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मार्केट वाले खोए से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और मैंने खोए की एक और वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर से हम खोया कैसे बनाएं। मैंने 4 चम्मच चीनी ले ली है, तो चीनी कम ही डालेंगे क्योंकि घेवर में भी हमें चाशनी डालनी है और इसी स्टेज पर हमें चीनी डालनी है जिससे कि अच्छे से डिसोल्व हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा खोए का स्प्रेड एकदम गाढ़ा हो गया है और देखिए ये बिल्कुल लग रहा है ना रबड़ी की जैसा, तो एकदम क्विकली एंड झटपट बन जाता है। आप जरूर घर पे ट्राई करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके लिए पास ज्यादा समय नहीं होता कुकिंग करने के लिए। तो आप मिल्क पाउडर से रबड़ी कम मावा स्प्रेड बना सकते हैं अपने घेवर के लिए। इसे ज्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब ये बन चुका है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स चाशनी हमारी रेडी हो गई है, ये अब हम घेवर बनाते हैं। का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 चम्मच देसी घी ले लिया है। मैंने घी में एकदम चिल्ड पानी डाला है आधा गिलास। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम क्रीमी फॉर्म में चेंज हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमें ऐसा ही चाहिए। आधा नींबू का रस ले लिया है, इसे डाल देंगे। जो दूध बचा था, ये लगभग आधा ग्लास दूध है, इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 50 ग्राम मैदा ली है, ये भी डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्सी में ही। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पर मैंने फुल भर के एक बाउल पानी ले लिया है, एकदम चिल्ड पानी है ये। आप इसमें जब भी घेवर बनाएं तो एकदम ठंडे पानी का ही यूज करें। आधा कटोरी पानी और लिया है मैंने, अब इसे फिर से मिक्स करेंगे। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, देखिए अभी इसमें और पानी डालेंगे। तो
तो एक कटोरी पानी मैंने यहाँ पर और डाला है। फिर से इसे मिक्स करेंगे। घेवर का बैटर बनाते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो और इसमें लम्स ना हो और एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में। देखिए इसकी ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम फ्लोइंग, एकदम पतली। चलिए अब घेवर बनाने में बताओ। आप जिस साइज का पतीले लेंगे आपका घेवर उसी साइज का बनेगा। तो मैंने इसे आधे से थोड़ा कम ऑयल से भर लिया है और ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से एकदम गर्म हो गया है, तो अब इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम अपना बैटर डालेंगे और एकदम धार बनाकर डालना है हमें हाइट से। मैं इसमें कम से कम 10 बार बैटर डाल चुकी हूँ, तो अब इसे साइडों से हम आराम से निकाल लेंगे। इसमें एक्सेस ऑयल है जिस इसके लिए हमें ऐसे करके आप एक प्लेट पर छोटे प्लेट रखें और उसके ऊपर इसे रख दें, जो एक्सेस ऑयल होगा वो इस प्लेट में आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा रेडी करते हैं बनाकर। ये वाला घेवर भी हमारा रेडी है। अब इसी तरह से हम अपने जितने भी हमारे घेवर बन पाएंगे इतने बैटर से हम बना लेंगे। फ्रेंड्स चलिए अब मैं इसमें चाशनी डालती हूँ। मैंने चाशनी को दोबारा गर्म कर लिया था, तो ऐसे ही हमें एक बड़ी प्लेट लेकर एक छोटा स्टैंड रख लें, उसके ऊपर ही आप अपने घेवर को रखें, उस पर चाशनी डालें। चाशनी एकदम ठंडी ना डालें, थोड़ा उसे गरम कर ले। ये घेवर मैंने बड़े बर्तन में बनाया था तो इसलिए थोड़ा बड़ा बना है। चाशनी में आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल लें। फ्रेंड्स ये मैंने और छोटे बर्तन में बनाया था। सो फ्रेंड्स अब घेवर पर मैं मावा लगाऊंगी जो हमने बनाया था। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है। तो इन पर अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे हम। आप इस पे बादाम, पिस्ता, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं। यहाँ पर टूटी फ्रूटी ली है मैंने। टूटी फ्रूटी की रेसिपी की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी भी इस पर बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो इसी तरह से हम अपने सारे घेवर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स रेडी हैं हमारे 3 साइज़ के घेवर। इस सावन में आप इन घेवर को ज़रूर बनाइए। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये घेवर की रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें।
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जो भी नई रेसिपी की वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। देखिए कितना टेस्टी और एकदम क्रिस्पी हमारा घेवर बनकर रेडी हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।